हेलो दोस्तों, वेलकम टू GearFliQ। अगर आप 100 या 150 सीसी बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग या टूरिंग आपको पसंद है, या फिर आप फर्स्ट टाइम बाइक खरीद रहे हैं और एक स्टाइल स्टेटमेंट या स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं आपके पास। इन्हीं ऑप्शंस में से एक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इस बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो अभी कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम इसके नेगेटिव्स या माइनस पॉइंट्स की बात करते हैं। अब एक टूरिंग बाइक के लिए सबसे ज़रूरी होता है कंफर्ट, और इस बाइक में ये कहीं ना कहीं एक कमी है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस बहुत सारे हैं। स्पेशली जब आप इसे हाई स्पीड्स पे चलाएं, तो इसके हैंडल बार पे, टैंक पे, सीट में और फुटपेग्स पे आपको बहुत सारे वाइब्रेशंस फील होंगे, और ये कहीं ना कहीं इसे अनकंफर्टेबल भी बना देते हैं, जिसकी वजह से ये टूरिंग के लिए आइडियल नहीं है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका वेट। ये काफ़ी हैवी बाइक है, 192 केजीज़ का इसका वेट है, तो इसे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसे पार्किंग से निकाल रहे हैं या पार्क कर रहे हैं, या आपको इसे हिलाना है यहाँ से वहाँ, या फिर आपको सिटी में टाइट ट्रैफिक कंडीशंस में इसको चलाना है, तो इसको यूज़ करना या चलाना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। इनफैक्ट आप अगर टूरिंग कर रहे हैं और आप कभी रफ़ पैच के ऊपर से चला रहे हैं, रफ़ रोड्स पे अगर चला रहे हैं, तो इसे मेंटेन करने में, इसके बैलेंस को मेंटेन करने में आपको एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये एक फास्ट बाइक नहीं है। अब फास्ट बाइक का मतलब सिर्फ टॉप स्पीड नहीं होता है, बल्कि एक स्पीड गेनिंग एबिलिटी भी होती है बाइक की। तो जो 0 to 100 जो इसकी जो टाइमिंग है, ये कंपटीशन से कंपेयर करें तो थोड़ी सी कम है। ये बहुत फास्ट बाइक नहीं है, स्पोर्टी नेचर नहीं है इस बाइक का, बहुत रिलैक्स तरीके से चलाने वाली बाइक है ये। क्लासिक 350 का यही एक हाईलाइट है कि ये बहुत रिलैक्स्ड राइडिंग के लिए बनी है, फास्ट बाइक ये नहीं है। चौथा माइनस पॉइंट इस बाइक का ये है कि इसमें फीचर्स ज़्यादा नहीं है, जो यूजुअली इस कैटेगरी की बाइक्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर आप देखें, तो ये एक सिंपल सा स्पीडोमीटर यूनिट है, जिसमें एक ओडोमीटर है जो एनालॉग है, डिजिटल कंसोल या डिजिटल यूनिट इसमें कहीं भी नहीं है, और इसके अलावा टैकोमीटर भी इसमें नहीं आता है। इनफैक्ट एक एम्प मीटर यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड में, और फ्यूल गेज भी इसमें नहीं है, फ्यूल इंडिकेटर कहीं इसमें नहीं है, और जो इसका इग्निशन का स्विच है, ये भी बहुत बेसिक सा है। स्विच गियर भी इसका बड़ा बेसिक है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। और इसमें अब ऑफकोर्स डुअल चैनल ABS इंट्रोड्यूस हो गया है, जो बेसिकली मैंडेट है, कंपलसरी है, इसकी वजह से ये आया है। अदरवाइज़ उसके अलावा आपको कोई इसमें ख़ास फीचर्स नहीं मिलेंगे। पांचवा नेगेटिव पॉइंट इस बाइक का ये है कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी हाई है, तो इसके जो सर्विस कॉस्ट हैं ये थोड़े ज़्यादा हैं, और काफ़ी निगलिंग प्रॉब्लम्स भी इस बाइक में हैं, जैसे कि इसके जो टैपेट्स हैं ये वेयर आउट जल्दी हो जाते हैं, रबर पार्ट्स इसके वेयर आउट जल्दी हो जाते हैं, बेसिक वेयर एंड टेयर इस इंजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल्स इस बाइक के पहले से अब ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, पर अब भी एट पार नहीं है अगर हम कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो। तो ये थे कुछ मेजर नेगेटिव पॉइंट्स इस बाइक के बारे में। अब इतने नेगेटिव्स होने के बावजूद भी ये बाइक जो है अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, और वो इसलिए है क्योंकि ये सबसे सस्ती 350 सीसी मोटरसाइकिल है। इनफैक्ट दिस इज़ द ओनली 350 सीसी मोटरसाइकिल अवेलेबल, और 350 सीसी सुनने में भी थोड़ा पावरफुल लगता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का है इसका एग्जॉस्ट नोट, यानी इसका साउंड, जिसे फायरिंग भी कहते हैं। एक डीप थंप है इसकी आवाज़ में, और ये बहुत लोगों को पसंद भी आता है, और एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन जाता है ये। तीसरा जो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का, वो है कि इसमें टॉर्क काफ़ी अच्छा है। 28 Nm का टॉर्क है इसमें, और ये महज 4000 RPM पे आता है, यानी इसका जो लो एंड टॉर्क है ये काफ़ी अच्छा है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। अब लो एंड टॉर्क होने से ये होता है कि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी अच्छी हो जाती है, और हमारे राइडिंग कंडीशंस में ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का रोड प्रेजेंस। अब ये देखने में भी काफ़ी बड़ी है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू अदर बाइक्स ऑफ इट सेगमेंट, और इस वजह से ये नज़र भी बहुत जल्दी आती है, यूनिक लुक भी आता है इस बाइक का। प्लस इसकी जो बिल्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फुल मेटल की इसकी बॉडी है, और जो मेड लाइक अ गन जो इसके टैगलाइन है, वो इससे काफ़ी मैच भी करता है।
पांचवा पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का ये है कि ये एक मॉड फ्रेंडली मोटरसाइकिल है, यानी आप इसे इजीली कस्टमाइज़ या पर्सनलाइज कर सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। मार्केट में काफ़ी सारे एक्सेसरीज अवेलेबल हैं जो आप इसमें फिट कर सकते हैं, या फिर रॉयल एनफील्ड के जेन्यून एक्सेसरीज़ भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। इससे आप इसे एक यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं और अपने हिसाब से इसे एक पर्सनैलिटी भी दे सकते हैं। तो अब हमने इस बाइक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देख लिए हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग इस बाइक को टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ साल पहले मार्केट में ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे और ये इकलौती हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, इसलिए ये एक कल्ट बन चुकी है। पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बाइक को टूरिंग के लिए यूज़ कीजिए। तो आपको ये बाइक क्यों ख़रीदनी चाहिए? अगर आपको इसके रेट्रो लुक्स पसंद है, क्लासिक लुक्स आपको बहुत भाते हैं और इसका जो एक टफ बिल्ड है ये आपको अच्छा लगता है और आप साथ में एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तभी आप इस बाइक को खरीदिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए GearFliQ को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। हमें आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। राइड सेफ और हेलमेट हमेशा पहनिए।